क्या कर रही हो? क्रिकेट लड़कों का खेल है, लड़कियों का नहीं। लड़कियों के लिए तो डॉल्स होती है। ये क्या बात हुई? जरा एक बॉल तो कराओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्रिकेट किसे नहीं आती। ज़ैनब बेटा अंदर आ जाओ, अंधेरा हो रहा है। ज़ैनब बेटा क्या हुआ? अब्बा, अली ने कहा कि लड़कियाँ क्रिकेट नहीं खेल सकती, लेकिन मुझे और सारा को क्रिकेट बहुत पसंद है। ज़ैनब बेटा खेल तो सकती हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में लड़कियों को खाना पकाना सिखाया जाता है और लड़कों को क्रिकेट। लेकिन मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती हूँ और मैं अली को हरा सकती हूँ। हाँ बेटा, हरा तो तुम सकती हो, मगर क्या करें, इस मुआशरे में लोग ऐसा ही सोचते हैं। क्या क्रिकेट वाकई में सिर्फ लड़कों का खेल है? कायद ने तो कहा कि औरतों को सिर्फ घर में बंद रखना गलत है। कायद क्या कहते हैं? शाबाश सैनिक, इस मेहनत और लगन का तुम्हें सिला जरूर मिलेगा। कायदे आजम, आप यहाँ? ज़ैनब, ये तुम्हारा ख्वाब है और इस ख्वाब को सच्चाई में बदलने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। लेकिन अली ने तो कहा था कि लड़कियों को क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। ज़ैनब, मैंने हमेशा ये कहा है कि कोई भी कौम अपने होने का हक अदा नहीं कर सकती जब तक उस कौम की खवातीन मर्दों के शाना बशाना ना चले। ज़ैनब, तुम्हें अपने हकूक के लिए खुद लड़ना होगा। मगर कैसे? इस दुनिया में दो ताकतें हैं, एक तलवार की और दूसरी कलम की, मगर इन दोनों से बड़ी एक और ताकत है और वो औरतों की ताकत है। तुम्हें खुद फैसला करना होगा कि तुम अपनी इस ताकत को कैसे इस्तेमाल करती हो। क्रिकेट मैच के लिए चैलेंज करती हूँ। क्या? अगर मैं तुम्हारी पहली बॉल पे छक्का ना मार सकी तो मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूंगी। तुम मुझे छक्का मारोगी? और अगर तुम ये कर सकी तो तुम हमें तंग करना छोड़ दोगे और मेरी बॉल मुझे वापस कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें चोट लगी तो मुझे ना कहना। अली, अब तुम्हारी बात। लेकिन कोई लेकिन नहीं, कायद ने जब पाकिस्तान का ख्वाब देखा था तो उसमें मर्द और औरत सब बराबर थे। पाकिस्तानी होने के नाते क्या हमारा फर्ज ही बनता कि हम कायद के ख्वाब को सच्चाई में बदलें? तो फिर हम सब इकट्ठे खेलें।